नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साप्ताहिक फलादेशों का विचार विमर्श हम लोग कर रहे हैं और चौथे सप्ताह में 26 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक, यह फरवरी मास का अंतिम पड़ाव है। इस सप्ताह के अंतर्गत राशियों का फलादेश उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं एक आपसे वार्तालाप कर लूं। मुझे आप जब भी फोन करते हैं कृपा करके प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के संध्याकाल 8 बजे के मध्य में कभी भी कर सकते हैं। कई मेरे मित्र सहयोगी जो होते हैं वो कई बार 8 बजे के बाद फोन कर लेते हैं। मित्रों, कई बार ऐसा है जीवन के अंदर ये चलन चल रहा है कि जब समय मिलता है छोटी छोटी बात के लिए आप आचार्यों को फोन कर देते हैं। ऐसी बात नहीं, निवारण तो होता है लेकिन उन निवारणों को कोशिश करो कि स्वयं आप सुलझा सकें। आप सभी ज्योतिषाचार्य हैं, ऐसी बात नहीं है। कैसे? ज्योतिष कोई भयभीत नहीं करती। ज्योतिष तो यह है, एक अंधेरे कमरे में दीपक जला दो तो रोशनी हो जाती। ग्रहों की चाल को हर व्यक्ति अपने हिसाब से समझ लेता है। जैसे आप घर में देखा होगा, किचन में आपकी माता बहन पत्नी भोजन बना रही होती है, हर मसाले का वो पूर्णतः कितना डालना है, कितना किसमें ज़्यादा लगता है कम लगता है, पूरा उनको ज्ञान होता है। उसी प्रकार से हर मनुष्य को अपने जीवन के विषय में पूर्ण ज्ञान होता है। आपने जो जो अच्छे कर्म शुभ कर्म किए हैं तो आपको उसका फलित मिलेगा, और जो जो कहीं अशुभ कर्म किए हैं आपका मन बताता है आपको। इसीलिए कहता है ना, परमात्मा ने भी कहा है, पास रहता हूँ मैं तो सदा ही तेरे, तू नहीं ढूंढ पाए तो मैं क्या करूँ, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूँ। परमात्मा तो सदैव हर जीव के अंतरात्मा में विराजमान है, तेरे अंतःकरण में समाया हुआ, करना ये पाप करता हूँ संदेश में। परमात्मा सचेत करता है लेकिन हम लोग अपने अच्छे या बुरे कर्मों को सोचते नहीं। भगवान कहते हैं कि तेरे लिए जो अच्छा है वो मैं तुझे दूंगा, लेकिन जो तुझे अच्छा लगता है वो मैं नहीं। परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, प्रभु जो आपको अच्छा लगता है वह मेरे लिए निदान कीजिए, देखिए फिर आप कैसे सफलता की सीढ़ी चढ़ते हो। आप प्रयास तो कीजिए। भगवान कहता है, एक कदम चल तो सही, 10 कदम मैं न बढ़ूं तब तो कहना। इसी प्रकार के जो छोटे छोटे शब्द हैं, छोटे छोटे विचार हैं, ये आपके मन को, आपकी संवेदनाओं को, आपके तंत्र को एकत्रित कर लेते हैं। इसीलिए व्यक्ति विशेष के साथ में कई जगह ऐसी बात हुई, महाराज हम तो इतना दान पुण्य धर्म कर्म करते हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि पिछले जन्मों में जो पाप कर्म किए होंगे वो इतने हैं कि इन पुण्यों के द्वारा भी वो पूर्ण नहीं हो पाते। मित्रों, इसलिए कभी भी परमात्मा से नाराजगी जाहिर न करो। उस परमात्मा ने तो सदैव आपके सुख के लिए सारा वातावरण रचा हुआ है। ये वनस्पति, यह प्रकृति, ये संसार उस परमात्मा ने आप ही की रचना के लिए रचा हुआ है। तो ऐसे रचना में यदि हम स्वयं अपने जीवन का अवलोकन कर लें, चिंतन कर लें, मनन कर लें, तो आधी से अधिक समस्याएं हमारी हल हो जाएंगी। छोटी छोटी बातों से, जैसे आप बाहर बड़े मधुरता से बात करते हो, मिठास आपके चेहरे पे बनी रहती है, हंस के बात करते हो, यही बातें यदि आप अपने परिवार में अपनी माता के साथ, अपनी दादी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी पुत्री के साथ, अपने परिवार के साथ करो तो कितना आनंद रहेगा। जो मधुर भाषी बाहर व्यवहार के साथ में होता है वही व्यवहार आप अपने परिवार के साथ करोगे तो आपके आधे से अधिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कहते हैं जीवन के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, जो कुछ भी बात करनी है
अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता भाई बंधु के साथ सहर्ष उनके साथ कीजिए। भगवान की कृपा से आपके कई कष्टों का निदान हो जाएगा। समस्याओं का समाधान आपके अपने पास ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन समस्याओं का निदान किसी तीसरे से सोचने की करते हैं। आचार्य वृंद, गुरुजन जितने हैं, वो आपके ग्रहों को देख करके, कुंडली भाव में देख करके और उन्हीं के हिसाब से आपको उपाय बताते हैं। उन उपायों को आप करें। ज्योतिष डराती नहीं है, ज्योतिष आपको आगे आने वाले अगम दुर्गम रास्तों के विषय में बताती है कि जीवन में इस प्रकार का कोई कष्ट आ सकता है, इसलिए सचेत हो जाएं। तो आइए मेष राशि के साथ चले। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, आनंदित है, उत्साहवर्धक है, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, उन्नति कारक है, इसलिए इस सप्ताह के अंतर्गत आनंद की प्रतिभूति आपके जीवन में संचरित होती रहेगी। वृष राशि वालों के लिए भी सप्ताह बहुत उन्नति कारक है। पिछले सप्ताहों में जो आपने कष्ट सहा, उन कष्टों से आपको निजात मिल गई होगी। इस सप्ताह के अंतर्गत आपको काफी प्रफुल्लता रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, शारीरिक रूप से भी आप सचेत रहोगे, धन धान्य की वृद्धि होगी और सुखद माहौल आपके जीवन में बना रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए समय परेशानी कारक चल रहा है, दुविधा इनके जीवन में चल रही है, परिवार में भी छोटा मोटा कलह बना हुआ है, जिसके कारण बस मन व्यथित रहेगा। इस समय, इस सप्ताह के अंतर्गत आपने यदि करना है तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। माँ भगवती का ध्यान करें, माँ भगवती जगदम्बा आपके कष्टों का निवारण कर देगी। कर्क राशि वालों के लिए भी समय अच्छा नहीं है, मन कहीं और लगा हुआ है, बात कहीं और बन रही है, हो कुछ और रहा है, ऐसी दुविधा में आपका जीवन इस सप्ताह के अंतर्गत चल रहा है। जो विचार आपने बनाए थे, उन विचारों को कहीं भी क्रियान्वित होने में दुविधा हो रही है। किसी मित्र से भी आपको इस समय सहयोग नहीं मिलने की आशा हो रही है, परेशान हो रहे हैं, धन की भी अपव्यय हो रहा है। ऐसे समय में आपने भगवान शंकर जी का ध्यान करना है। भगवान शंकर जी आपके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करेंगे। करना क्या है ऐसे समय में, ऐसे समय में भगवान शंकर जी के मंदिर में नजदीक जाकर के कच्ची लस्सी होगी, उसको जो है थोड़े तिल उसमें डाल दीजिए और भगवान शंकर जी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करके जल चढ़ाएं, भगवान आपके संकटों का निवारण करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उत्तम है, धन दान की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, उन्नति कारक है। सिंह के बाद कन्या राशि में चलते हैं। कन्या राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है, उन्नति कारक है, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, नए शुभ समाचार मिलने की पूर्ण संभावना है। तुला राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है, वातावरण इनके प्रतिकूल चल रहा है, परिवार में सुख समृद्धि रहेगी, धन धान्य की वृद्धि रहेगी और कुछ वाहन इत्यादि को खरीदने की संभावना बन सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय ठीक है, शरीर के प्रति जरा सचेत रहें, बाकी तो समय ठीक चल रहा है, धन की भी वृद्धि है, मन इच्छानुसार कार्य भी हो रहा है, पर जरा शरीर को कष्ट रहेगा, उसके लिए आपने हनुमान जी का ध्यान करना है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। वृश्चिक के बाद चलते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए समय बहुत उत्तम, धन यश मान वृद्धि हर प्रकार से लाभ मिलेगा, मनोकामनाएं पूर्ण रहेंगी, जो कार्य आपने सोचा है बड़े आराम से हो जाएगा और धन की वृद्धि रहती है, परिवार में सुख आनंद मिलता है। धन के बाद मकर राशि वालों के लिए भी समय अच्छा चल रहा है, यह सप्ताह उनके लिए बहुत उत्तम है, मित्रों से सहयोग रहेगा, परिवार में सुख आनंद रहेगा और स्मृति कारक समय चल रहा है। धनु के बाद मकर के बाद चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है, उन्नति कारक है, धन धान्य की वृद्धि रहेगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा, मित्रों का पूर्ण सहयोग बना रहेगा, शुभ समाचार मिलने के संकेत बन रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए समय ठीक चल रहा है, थोड़ा शरीर की व्यवस्था को देखें, शरीर आपका परेशानी कारक बन सकता है, इसलिए मीन राशि वालों को सचेत रहना चाहिए अपने शरीर के विषय में। मित्रों से सहयोग रहेगा, शुभदायक फल की प्राप्ति रहेगी और कोई शुभ समाचार मिलने की पूर्ण संभावना है, अनेक प्रकार से लाभ आपको मिलते चले जाएंगे। इस सप्ताह के अंतर्गत मित्रों करना क्या, आप सभी ने
सभी राशि वालों के लिए इस सप्ताह के अंदर यदि करना चाहो अन्न धन का दान करें, बड़ा लाभ रहेगा। गौशाला में गौ चारा, गौ माता को चारा इत्यादि दें, बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, गौ माता सर्वश्रेष्ठ है, कहते हैं 33 कोटि के देवी देवता इसमें निवास करते हैं, इसलिए मूक पशु होकर के भी यह अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त करवाती है, इसलिए इनकी सेवा करना बड़ा लाभकारी है। आजकल वैसे तो पहले समय था गौ का पालन करना चाहिए, राजा दिलीप, राजा रघु, इन जिन राम जी की हम इतना राममय होकर के यह वातावरण चल रहा है, उस राम जी के दरबार में गौ सेवा सबसे उत्तम मानी गई। गौ माता आजकल तो व्यवस्था जर रखने की ना हो तो गौशाला में जा करके चारा कम से कम सप्ताह का या महीने का या 15 दिन का चारा गौ माता को दें, ज़्यादा ना हो सके तो एक दिन का ही चारा गौ माता को खिला के आएँ। भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए शब्द विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए।